कि कक्षा 10 के प्रथम चैप्टर में हम भौतिक विज्ञान से बात करेंगे और भौतिक विज्ञान में पहला अध्याय जो है प्रकाश है, प्रकाश के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उस इसके दौरान हमारी पहली हेडिंग होगी प्रकाश। प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में हम बताएंगे आपको और उसके बारे में परिभाषित करेंगे। तो प्रकाश देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायक होती है। वह स्वयं नहीं दिखा देता है बल्कि वह जिस वस्तु पर पड़ता है वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। प्रकाश के बारे में यदि प्रकाश न होता, यदि प्रकाश न होता तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। इसलिए भौतिक विज्ञान में पहले चैप्टर है प्रकाश। प्रकाश के बारे में परिभाषित करते हैं कि प्रकाश की परिभाषा क्या होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में सहायक होती है। यह स्वयं नहीं दिखाई देता है बल्कि यह जिस वस्तु पर पड़ता है वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। अब दूसरी टॉपिक हम बात करते हैं प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत, तो प्रकाश के दो स्रोत होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा होता है कृत्रिम स्रोत। अब बात करते हैं प्राकृतिक स्रोत के बारे में। प्राकृतिक स्रोत जो है क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। प्राकृतिक स्रोत जो प्रकृति द्वारा निर्मित है, जो प्रकृति द्वारा निर्मित है उन्हें हम प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, जूनू इत्यादि जो है प्राकृतिक स्रोत हैं प्रकाश के। अब दूसरा है कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत क्या होता है, यह मानव द्वारा निर्मित या मानव द्वारा बनाया गया प्रकाश स्रोत है। जैसे लाइट, बल्ब इत्यादि।